गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं उसरी फॉल और खांडुली डैम। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको दोनों जगह। तो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं अब यहाँ से उसरी फॉल, और चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है, और वहाँ से हम लोग खांडुली डैम भी जाने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं उसरी फॉल पर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग उसरू फॉल के नज़दीक ही रुके हुए हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक बार चढ़ के देखते हैं। उसरी फॉल, मेरा ख्याल से फ्रेंड यही उसरी फॉल है। आज यहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, आज कितना सन्नाटा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये है उसरी फॉल। चलिए आपको नीचे से अच्छी तरह से हम दिखाते हैं चारों तरफ का यहाँ का दृश्य। बरसात के दिनों पे ये जो पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है पानी से भरा हुआ रहता है, और बहुत ही तेज़ी से पानी ऊपर की तरफ से नीचे आता है। देख सकते हैं फ्रेंड कितना सुंदर दृश्य है ये। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ का जो ये सब पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर बहुत ही स्लिपरी है, आप यहाँ गिर सकते हैं। तो थोड़ा सावधान से आप अपने पैर को रखिए फ्रेंड्स। ये खतरा 4 PM, पता नहीं खतरा 4 PM का मतलब क्या है। खतरा तो मुझे पता है, लेकिन 4 PM का मतलब मुझे पता नहीं। यहाँ भी लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से यहाँ का पानी जो है फ्रेंड्स, इस जगह बहुत ही गहरा पानी है यहाँ पर। मैं तो यही सलाह दूंगा कि यहाँ आप पानी पर ना उतरे फ्रेंड्स। यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है डेंजर 4 PM। डेंजर का तो पता है कि डेंजर, सच में ये जगह डेंजर ही है, लेकिन ये 4 PM का मतलब मुझे पता नहीं। शायद 4 बजे के बाद यहाँ आना नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है, तो मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। देखिए वहाँ भी लिखा हुआ स्टॉप डेंजर 4 PM। फ्रेंड्स यहाँ से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। उसरू फॉल का ये दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य है। लेकिन फ्रेंड आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, यहाँ पर आप भूल से भी ना जाएं इस जगह पर। यहाँ पर जो है आपका पैर जो है ये स्लिप कर सकता है। ये पैर स्लिप करते हुए आप नीचे होते हुए उधर से वहाँ जा सकते हैं उस जगह, और वहाँ पानी फ्रेंड बहुत ही गहरा पानी है, इसीलिए आप यहाँ घूमने आइए ज़रूर, लेकिन कोशिश कीजिए कि उधर से आप वहाँ तक ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आपको ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं, चलिए आइए। बिशु ओके,
देखिए फ्रेंड्स, ये पानी जो है नीचे गिर रहा है इधर से, और यहाँ बहुत ही गहरा है। इस जगह पर गहरा है पानी और एक उस जगह गहरा है पानी। हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे तो थोड़ा सोचे कि हम लोग झरना में नहा लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रहा है, तो थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे खंडूली डैम के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग झरना में तो नहा लिए और पूरा तरोताज़ा भी हो गए नहा के एकदम ठंडा ठंडा पानी से। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे खंडूली डैम। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं, सॉरी सीधे साइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग खंडोली पार्क तो आ गए, यानी कि खंडोली डैम। देखिए फ्रेंड्स, कुसरू फॉल के पास जैसा एक वॉच टावर था, वैसा ही वॉच टावर एक यहाँ भी है, ये देख सकते हैं। और इधर एक पहाड़ है, मेरे ख्याल से पहाड़ में भी हम लोग जा सकते हैं, पहाड़ में भी जाने का रास्ता ज़रूर होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पूरा पार्क पहले घूमेंगे, उसके बाद हम लोग अगर टाइम रहा तब हम लोग इस पहाड़ पर जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग टिकट तो बना लिए और अभी पार्क का अंदर आ गए हैं। ये एंट्री गेट, अब पूरा पार्क का अंदर देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, कलाकृति बना हुआ है पूरा। कितना सुंदर कलाकृति बना हुआ है ये, देखिए। पता नहीं क्या है, लेकिन चेहरा तो जैसा लग रहा है राक्षस का है। बाघ, यहाँ देखिए एक एरोप्लेन खड़ा है। ये ओरिजिनल एरोप्लेन नहीं, सीमेंट का बना हुआ है, जिसपे उधर से चढ़िए इधर से सरकिए। फ्रेंड्स, एक बार पार्क का 360 डिग्री वीडियो ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं चारों तरफ। वो देखिए वो प्लेन जिसपे से अभी हम चढ़ के उतरे, और चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं छाव में। और वो देखिए वहाँ राक्षस, और ये देखिए कितना सुंदर पेड़। ओहो हो हो, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खरगोश के बच्चे हैं कितने सारे, हरी हरी पत्तियाँ खा रहे हैं। कुछ हम लोग भी खा लेते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, यहाँ सब तरह का बोट है, ये जेट पावर है, और उधर जो देख रहे हैं अब उधर पैडल बोट है। अभी हम लोग भी बोट में चढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं कितना लगेगा एक बोट में चढ़ने का। देखिए इधर बोटिंग हो रहा है। अबे फ्रेंड्स, हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, पैडल बोटिंग, और धीरे धीरे अभी करने वाले हैं, मज़ा लेने वाले हैं पूरा फुल पैडल बोट का। अभी मेरा फ्रेंड जो है पूरा पैडल कर रहा है, देखिए पूरा एक्सरसाइज हो जा रहा है उसका भी। ये जो सेटअप लगा हुआ है ये फिश फार्मिंग के लिए है।
ये जो देख रहे हैं आप, इसमें फिश फार्मिंग होता है। एक स्पीड बोट भी शुरू हो गया। देखिए हम लोगों का बोट आमने सामने आ गया। भाई लोग लाइफ बोट पहन के रखे हैं, बहुत ही अच्छा बात है। उल्टा चलाने में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो सीधा उल्टा साइकिल तो चला नहीं सकते हैं, लेकिन पैडल जो है देखिए उल्टा कर रहे हैं। उसका सीधा है, मेरा उल्टा, और दोनों तरफ अलग अलग क्यों बैठे हैं, इसका कारण भी है कि स्टेबल रहे, जिससे बोट अगर हम उधर हम बैठ जा रहे उस सीट पर तो नाव जो बोट जो है उधर पूरा झुक जा रहा है, इसीलिए हम इस साइड बैठे हुए हैं और वो उधर बैठा हुआ है, जिससे नाव का स्टेबिलिटी बना रहे। फ्रेंड्स हम लोगों का तो बोटिंग हो गया। सो फ्रेंड हम लोग पूरा कुसरी फॉल घूम लिए और खंडोली डैम भी घूम लिए। अब हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं खंडोली डैम से घर के लिए। सो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, ओके okay.